बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो, वेलकम बैक टू माय शो द सारा खुरम शो। एज यू ऑल नो कि मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में से जितने भी प्रोडक्टिव या प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको इनवाइट करती हूँ उनकी लाइफ स्ट्रगल्स या जर्नी को जानने के लिए, ताकि एक मोटिवेशन हासिल हो सके। तो आज मैंने जिन मेहमान को इन्वाइट किया है, जो मेहमान खसूसी हैं मेरे शो में, वो बहुत ही खास हैं। वो इसलिए कि वो माशाल्लाह काफ़ी छोटी उम्र से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस उम्र में बच्चे जो है मींस क्रिकेट खेलने में और इसमें और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। तो उन्होंने तब से माशाल्लाह काफ़ी मोटिवेशनल काम शुरू किया और वैसे तो मैं उनसे डिटेल्स उनसे उन्हें इन्वाइट करने के बाद जानूंगी, लेकिन थोड़ी सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि उनका ताल्लुक जो है टंडो मोहम्मद यार या टंडो अल्लाह यार, ये मैं उनसे दोबारा कंफर्म करूंगी, जो हैदराबाद से कुछ फासले पे है, वहाँ वहाँ से इनका ताल्लुक है और सिंध से ऑब्वियसली ये बिलोंग करते हैं। और अभी जो है इनकी उम्र 19 साल है और इस 19 साल की उम्र में माशाल्लाह ये यूट्यूबर भी हैं और ये मोटिवेशनल और पब्लिक स्पीकर भी हैं, इसके साथ साथ माशाल्लाह से पीस प्रमोटर भी हैं। सो लेट्स इनवाइट आ मेहमान, सो इनको मैं इनवाइट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू आ मेहमान, आपने अली हैदर मेमन आई थिंक आपका पूरा नाम है, थैंक यू, अपना टाइम निकाला। यस, अच्छा अली, मैं आपको अली हैदर आपका बहुत शुक्रिया बुलाऊं? कि आपने मुझे काबिल समझा कि मैं आपके इंटरव्यू में आऊं। जी नहीं जी बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसे नौजवानों को देख के। आप लोग माशाल्लाह हमारे मुल्क का फ्यूचर है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं काफी टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी, हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी, बट ऑब्वियसली कुछ मसरूफियात और फिर वो जो फेसबुक का फीचर चला गया था उसकी वजह से नहीं हो पाया इंटरव्यू, लेकिन इनशाला आज हम अच्छा सा इंटरव्यू करेंगे। एनीवेज, आप मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदाज में इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को सबसे पहले। मेरा नाम अली हैदर मेमन है और एच मेमन मेरी आईडी का नाम है। उसका मकसद यह है कि मैं अपने नाम को यूनिक बनाना चाहता था, ताकि अगर कोई मुझे सर्च करे तो सिर्फ मेरी आईडी है और किसी और की ना है। तो इसलिए मैंने अपने नाम को बदल के एच मेमन फेसबुक पे रखा। मेरा ताल्लुक टंडो अलायार से है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी का सेकेंड का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशुदा। उसके अलावा मेरी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं एज अ पब्लिक स्पीकर एक चैटिंग इदारे में काम करता हूँ और सोशल वर्कर हूँ जियो के प्लेटफॉर्म से, और इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ और अपने दोस्तों को अपने इल्म से आगाह करने की कोशिश करता हूँ। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा अली हैदर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने ये इंटरव्यूज लेना और वीडियोस बनाना, तो ये कहाँ से आपको इस बात का अंदाजा हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया और इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया अपनी पर्सनालिटी में? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक पूरी ड्राइविंग फोर्स थी, एक इंसान का हाथ है जिसने मुझे इस राह पे लाए और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। उस इंसान का नाम है रेहान अल्लावाला। उनका एक प्रोग्राम है 500 म्यूचुअल फ्रेंड प्रोग्राम, जिसका मकसद ये है कि आप अगर उनके 500 म्यूचुअल फ्रेंड ऐड करेंगे तो वो आपको लैपटॉप देते हैं। इसी तरह मैं उनकी अच्छा एक तस्वीर देखी और मैंने ये पैगाम पढ़ा उनका, तो मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ कि मैं इनके 500 म्यूचुअल फ्रेंड चुराऊं। तो फिर वो 500 म्यूचुअल फ्रेंड मैंने ऐड किए, तो फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं लैपटॉप तब दूंगा जब आप 10 इंटरव्यू करेंगे। तो अच्छा मैंने कहा कि ठीक है, मैं लैपटॉप नहीं चाहिए, मैं 10 इंटरव्यू नहीं करूंगा। तो उन्होंने ही अच्छा फिर कहा कि मेरा एक बंदा है वो आपके इंटरव्यू करेगा। तो उन्हीं की कंपनी से एक 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 इंसान ने मुझे मुझसे इंटरव्यू किया और वो मेरा मेरा पहला इंटरव्यू था और मैं काफी नर्वस था, और तब जाके मेरा जो डर था कैमरा के सामने आने का वो खत्म हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि मैं अब इस वीडियोस के जरिए इंटरव्यूज के जरिए अपने पैगाम लोगों तक पहुंचाऊंगा।
जबरदस्त, तो ये तो बहुत अच्छा साबित हुआ आपके लिए, ये एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट आपके लिए आपकी जिंदगी ही बदल दी और बहुत निखार पैदा हो गया। तो किताब दोस्ती भी आप माशाल्लाह किताबें पढ़ते हैं और काफी बुक्स पढ़ चुके हैं, तो आप मुझे बताएं कि किताबें पढ़ने का शौक शुरू से था या आपने मतलब इसी इम्प्रूवमेंट के बाद आप में सारी इम्प्रूवमेंट आई है, जरा ये भी डिस्कस करें। किताब पढ़ने का शौक तो बिल्कुल नहीं था शुरू में, लेकिन मुझे 3 साल हो गए मैंने किताब पढ़ना शुरू की है। उसका शौक इस तरह आया कि जब मैंने 500 म्यूचुअल फ्रेंड ऐड किए तो उनमें काफी सारे दोस्त ऐसे थे जो किताबों पे बातें करते थे, जो किताबों पे बातें करते थे और किताबों को शेयर करते थे और किताबों की तस्वीरें लगाते थे। तो उन्हें देख देख के मुझे मेरे अंदर ये शौक आया और फिर मैंने किताबें कलेक्ट करना शुरू कर दी। तब मैंने 40-50 के करीब किताबें कलेक्ट की और फिर इसी तरह मेरे अंदर शौक आया कि मैं इनको पढ़ूं सबको। तो फिर ये शौक पैदा हुआ, फिर पढ़ते पढ़ते पहले मैंने जो पहली किताब मैंने खत्म की थी वो 6 महीने में एक किताब खत्म की थी, और आज अच्छा 2 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है, 1 दिन में हो जाती है। तो स्पीड बढ़ती जबरदस्त गई और फिर किताबें खत्म होती गई। जबरदस्त माशाल्लाह। तो कुछ बताएंगे कि आज तक आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं और सबसे बेस्ट या कोई बुक रेकमेंडेशन, जो ऐसी किताब हो जो सबको पढ़नी चाहिए, आप रेकमेंड करेंगे कि ये भाई हर बंदे को ये लाइफ में एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। बिल्कुल, अगर मैंने तो तकरीबन 50+ किताबें पढ़ी हैं, और जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो नौजवानों के लिए हैं, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ और मैंने उनसे फ़ायदा उठाया, तो मैं चाहता हूँ उन किताबों से सब फ़ायदा उठाएं। उनमें एक किताब है मार्क मैनसन की, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक। ये ओके किताब हाँ बड़ी बेहतर किताब है और इसको इसको तमाम नौजवान पढ़ें और बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। और दूसरी किताब है द पावर ऑफ सब कॉन्शियस, ये किताब जोसेफ मर्फी ने लिखी है, जो खुद बुद्धिस्ट हैं, तो वो बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने सब कॉन्शियस के बारे में कुछ बड़ी हैरानकुन बातें लिखी हैं उसमें। और तीसरी वो जो किताब जो फिफ्टी टू कि वीक कासिम गाइड अली आई शाह की थिंक सो किताब है, नहीं द पावर ऑफ सब कॉन्शियस, हाँ, अच्छा, ठीक। और तीसरी जो किताब है वो है ऊंची उड़ान, जो कि कासिम अली शाह साहब ने लिखी है। वो किताब उर्दू में है और उसको पढ़ना बहुत आसान है, और उसमें मुख्तलिफ रिसर्चेस को और साइकोलॉजिकल फैक्ट को इकट्ठा करके कासिम अली शाह साहब ने उस किताब में लिखे हैं, और अपना जो अपनी राय है वो भी लिखी है, तो उससे भी बड़ा फायदा होगा। ये 3 किताबें हैं जो कि लाजमी पढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जबरदस्त, वाकई बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं जानती हूँ इनके बारे में, आपने वो रेकमेंड किए नौजवानों के लिए जिससे वाकई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा, आप पीस प्रोमोटर भी हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे बहुत कुछ लगा लेते हैं, मीन्स एक होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर लगा लिया या कुछ भी, तो वो वैसे होते नहीं या काम नहीं कर रहे होते, तो आपने जो ये अपने नाम के आगे पीस वाला लगाया है और जो आप पीस प्रोमोटर भी हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि ये इस पे कितना काम किया, कर भी रहे हैं या वैसे ही है कि ऐसे ही लगा दिया। नहीं, ये जो पीस वाला है वो मैंने खुद अपने तरफ से नहीं लगाया, ये मुझे अच्छा सोसाइटी में लोग इस नाम से पुकारते थे, तो फिर मैंने वाह शनाख्त के लिए ये लगा दिया। इसका जबरदस्त बुनियाद ये है कि जब मैंने इंटरव्यू शुरू किए लोगों से तो मेरा मकसद था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस कायम किया जाए, क्योंकि सरहान भी इस पे काम कर रहे थे, तो मैं भी इस पे काम कर रहा था कि लोगों को बीच में कनेक्ट किया जाए और उनको समझाया जाए, एक दूसरे से बात करें, क्योंकि पीस तब प्रमोट होता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं। जो पहला कदम है पीस का वो है अंडरस्टैंडिंग, जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो पीस क्रिएट होता है। तो इसलिए ही मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए, एटलीस्ट मैं 100+ इंटरव्यू ले चुका हूँ। उसकी वजह यही माशाल्लाह है कि हम एक दूसरे को समझें, अगर समझेंगे तो पीस कायम हो सकता है, फिर एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास इंडिया से भी बहुत दोस्त हैं, अमेरिका से भी बहुत दोस्त हैं, फलस्तीन से भी बहुत दोस्त हैं, ईरान, अफगानिस्तान, सब हर मुल्क से बहुत सारे जबरदस्त दोस्त हैं। मकसद ये है कि दुनिया को कनेक्ट किया जाए एक दूसरे से और अमन कायम किया जाए।
एग्जैक्टली इट मीन्स के यू आर यूजिंग योर सोशल मीडिया इन अ प्रोडक्टिव वे. और आज का हमारा टॉपिक भी है कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव. तो स्पेशली ये टॉपिक रखने का और आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप एक नौजवान है, यूथ हैं, और जो एक यूथ यूथ को मैसेज देंगे जो हमारा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो नौजवान है, बच्चे हैं. तो अब आप बताएं कि आपके हिसाब से प्रोडक्टिविटी क्या है, या आप अपने खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं, तो वो हमसे शेयर करें, और उसके साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोडक्टिविटी के लिहाज से. जो हमारा सर्किल होता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी जिंदगी पे। मेरी जिंदगी में जो चेंज आया वो भी मेरी सर्किल की वजह से आया। जब मैंने फेसबुक पे लोग ऐड किए, अच्छे लोग ऐड किए, किताबें पढ़ने वाले, अच्छी बातें करने वाले, और मैं 9 घंटे फेसबुक को इस्तेमाल करता था, तो उसी से ही मेरी सोचने की सलाहियत को तरतीब मिली और मेरे मेरी अक्ल को एक रुख मिला। फिर मैंने डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर दिया और उसी के साथ ही मेरी तरबियत होती रही और मैंने अपने डिसीजन खुद लेना शुरू किए। तो मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि जो भी अमल करें उससे पहले उस पर सोचें। हमें जो भी कोई चीज बताता है तो हम बिना सोचे उसको कबूल कर लेते हैं। इस कबूल करने वाले मैकेनिज्म को थोड़ा कम करें और रिजेक्ट करने वाले मैकेनिज्म को थोड़ा ज्यादा करें, क्योंकि हर बात कबूल करने की नहीं होती। हम एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, उसकी बातों को अपने अंदर लाते हैं, फिर दूसरे को सुनते हैं जो उसके अपोजिट होता है, उसको भी अपने अंदर लाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ऑफ रिजेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिजेक्शन, इसको अपने अंदर लाएं, चीजों पे सोचें, उनको रीजनिंग करें और उनकी लॉजिक्स देखें, फैक्ट्स देखें, फिर कबूल करें, ऐसे जैसे कि बात को कबूल ना करें। यही है कि आजकल सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में करेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और अपने लिए इस्तेमाल करना यही बड़ा हुनर है। तो इसको सीखना लाजमी है, खास तौर पे नौजवानों को इस चीज को सीखना लाजमी है। बहुत जबरदस्त, आपने इतनी इतनी गहरी और इतनी अच्छी बात कह दी है ना माशाल्लाह, कि शायद ही कोई बड़ा इंसान कहता. मींस के सही और गलत में फर्क, और सेल्फ एनालाइजेशन और रियलाइजेशन. आपने फर्क कर लिया कि सही क्या आपके लिए, गलत क्या है, जिसमें फर्क और हर चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है. आपने उसको जज करना है कि मेरे लिए ये सही है आया या फिर यह नहीं है. तो ये आपने इतनी अच्छी बात कह दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस बात की नो हाउ नहीं होती कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, वो फैसले डिसीजन मेकर नहीं बन पाते. अच्छा, तो आपने डिसीजन की बात की है कि अब आप माशाल्लाह अपने फैसले खुद ले सकते हैं या लेते हैं, तो कुछ टिप्स शेयर करेंगे नौजवानों के लिए कि इसके अलावा कि डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं. बिल्कुल, अक्सर मैंने अपने सर्किल में देखा है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं, मैं उन नौजवानों को तो नहीं जानता जो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बता रहा हूँ कि जो डिसीजन लेते हैं नौजवान, वो उनके इमोशनल बेस होते हैं, मतलब वो उनके एहसास के मुताबिक होते हैं। अगर हम खुश हैं तो हम वो खुशी वाला डिसीजन लेते हैं, फिर जब हम गम में आते हैं तो फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर गम में होते हैं तो हम उस मुताबिक एहसास के मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं, और फिर जब स्टेबल हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं काश हम ऐसा फैसला नहीं लेते। तो जब भी हम डिसीजन लें तो खुद को स्टेबल पाएं। अगर हम ज्यादा खुश हैं तो भी डिसीजन ना लें, अगर गम में हैं तो भी डिसीजन ना लें। पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने जो एहसास हैं उनको बैलेंस में लाएं, अपने इमोशंस को बैलेंस में लाएं, फिर जिस बात पे हमें डिसीजन लेना है उसके बारे में सोचें और अपने अकल से फैसला लें। एक और भी दर्जा है, अकल से भी बड़ा दर्जा है, वो ये है जो कि जिस तरह हम मुसलमान हैं तो हमारा जो फैसला है वो हमारी ईमान पे बुनियाद ईमान की बुनियाद पे होगा। अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं, एक आम इंसान अकल की बुनियाद पे लेता है, लेकिन हमारे पास कुरान पाक है और हमें गाइडेंस मिली है, तो हम अपना फैसला ईमान की बुनियाद पे लेते हैं। अगर वहां से नहीं होता तो फिर अकल की बुनियाद पे लेते हैं, लेकिन ऐसा साथ की बुनियाद पे फैसला लेना, 99% जो फैसले इमोशनल बेस लिए गए हैं वो गलत साबित हुए हैं। तो जब भी फैसला लें या तो बिल्कुल, अकल की बुनियाद पे लें या तो ईमान की बुनियाद। मुझे बहुत माशाल्लाह खुशी हो रही है आपसे बात करके. इतनी अच्छी बात है आप डिस्कस कर रहे हैं. बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो जज्बात की बुनियाद इमोशंस, क्योंकि इमोशंस का तो पता नहीं, खुशी है
तो वो गम भी है, गम है तो खुशी भी है. आप उसमें बड़े बड़े फैसले कर लो तो आप ऑब्वियसली सिर्फ पछतावा रह जाता है. तो अपने जज्बात को स्टेबल करना और उसके बाद फैसले लेना, ठीक है. एक और चीज देखी गई है कि इमोशनल फूल बहुत बना लेते हैं, स्पेशली जो नौजवान है या नए नए अगर प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं, या अगर वो जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो उनके कुलीग्स होते हैं या बहुत सारे, और आप समझ सकते होंगे कि उन्हें क्या क्या चीजें फेस करनी होती है. तो जो फिर वो अपने आप को डिग्रेड करते हैं और वो जो है अपनी सेल्फ एस्टीम लो कर लेते हैं. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इमोशनल फूल जो लोग बनते हैं तो ऐसी क्या चीज करें कि वो जो है अपने, जैसे अपने जज्बात की बात की कि स्टेबल रखें, तो उसे स्टेबल रखने के लिए क्या किया जाए कि वो इमोशनल फूल ना बने या उन्हें हर्ट ना हो कि कोई कुछ भी कह रहा है. बिल्कुल, जो इमोशंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं और बास लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उनको उस इमोशंस की गेम पता नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें तो हम इस पूरी दुनिया पे बादशाहत कर सकते हैं। तो इमोशंस ही हैं जो हमें 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 लोगों से लोगों से कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं। और अब इमोशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए, इमोशन को कंट्रोल करने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ये इमोशन जनरेट कैसे होते हैं, क्या क्या हरकत करने से कौन सा इमोशन जनरेट होता है और किन किन हरकत करने से कौन सा इमोशन जनरेट होता है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर हम बआसानी इमोशन को कंट्रोल कर सकेंगे और अपने रिमोट को अपने हाथ में रख सकेंगे। जबरदस्त, हाँ बिल्कुल सही कहा. अपने रिमोट को, जो लोग दूसरों को अपना रिमोट कंट्रोल दे देते हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो दूसरों को रिमोट देते हैं उनमें एक एक चीज की लेक होती है, वो ये है कि वो सोचते नहीं है। जो भी काम कर रहे होते हैं अगर उन्हें गुस्सा होता है तो वो सोचते नहीं कि मुझे ये गुस्सा क्यों है और इस गुस्से से किसको फायदा पहुंच रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहा है। अगर इस बात पे ये सोचना शुरू कर दें कि ये जो गुस्सा है इससे मुझे नुकसान पहुंचेगा, किस तरह पहुंचेगा, तो वो खुद ओवरकम करेगा उस गुस्से को। लेकिन जब सोचेगा नहीं तो फिर डूबता रहेगा। प्रोडक्टिविटी में कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मायने रखती है? जैसे कि टॉपिक है हाउ टू बी प्रोडक्टिव, तो आपने काफी अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोडक्टिविटी एंड इन एवरी डे ऑफ लाइफ. सो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे बताएं कि उस पर किस तरीके से काम किया जाए. जब कम्युनिकेशन का अल्फाज आता है तो काफी लोगों के जहनों में आता है कि सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन एक सेट है, एक चार चीजों का सेट है जिसमें बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना आता है। इन चारों चीजों को बेहतर बनाने से हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। सिर्फ बोलने से नहीं, काफी लोग हैं जो बोल अच्छा लेते हैं लेकिन लिखते अच्छा नहीं, पढ़ते अच्छा नहीं, तो फिर भी उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इन चारों चीजों पे काम करना लाजमी है। जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि लिसनिंग, स्पीकिंग एंड टॉकिंग एंड राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग. अच्छा, तो लिसनिंग का, बहुत सारे लोग होते हैं दे आर नॉट अ गुड लिसनर, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? मतलब बहुत सारे होते हैं कि पहले वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये एक बैड इम्पैक्ट भी आता है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा मैसेज दीजिए कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर. जो लोग सुनते नहीं और वो चाहते हैं कि सिर्फ हम बात करें, वो अक्सर उनका ख्याल ये होता है, मैं समझता हूँ कि उनका ख्याल ये होता है कि वो डोमिनेंट रहें, जिससे भी बात करें उन पे वो डोमिनेंट रहें, उनकी बात की जाए, उनकी सेल्फ की बात की जाए। वो तारीफों को बड़ा पसंद करते हैं ऐसे लोग। वो चाहते हैं सिर्फ हमारे बारे में बात की जाए, या तो मैं बात करूँ या तो मेरे बारे में बात हो, उनका मकसद ये होता है। लेकिन जब हम अपने अंदर लिसनिंग पावर लाते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं। एक कोट है, बड़ा मशहूर कोट है, जब हम बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं जो हमें पता होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमेशा नई बात सुनते हैं और हमारे इल्म में इजाफा होता है। तो लिसनिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमें अपने वैसी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपने जज्बातों को अपने काबू में लाना पड़ेगा। और हम जज्बाती हो जाते हैं कि हम बोले, सिर्फ हम बोले, हम डोमिनेंट रहे, तो इस चीज को कंट्रोल करने से हम लोगों को ज्यादा सुन पाएंगे और अपने अंदर सब्र पैदा करें, पेशेंट कहते हैं जिसको, अपने अंदर बिल्कुल सब्र सही पैदा कहा. करें, सुकून पैदा करें अपनी पर्सनालिटी में, तब जाके हम लोगों को सुनेंगे, इत्मीनान से उनको समझेंगे। और सुने इसलिए कि हमें इस बात को समझना है, इसलिए नहीं कि हमें इसके मुखालिफत में कोई बात करनी है या इसके बातों में से सवाल निकालने हैं।
समझने के लिए। ये पॉइंट आपने बहुत जबरदस्त कहा। अच्छा, आप माशाल्लाह अपनी लाइफ में काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और दिन ब दिन खुद को इम्प्रूव करने की चाह में लगे रहते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया अपना माशाल्लाह से, और मैंने कुछ वीडियोस एक आध आपकी देखी हैं, आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो इस तरीके से। तो क्या सोचती, यूट्यूब का कब कब आपने लॉन्च किया और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? YouTube का मकसद मेरा बिल्कुल पैसे कमाना नहीं था। मैं जस्ट चाहता था अगर मुस्तकबिल में कोई मेरा नाम अगर YouTube पे लिखे, मेरे बच्चों में से या मेरी नस्ल में से अगर कोई हाँ YouTube पे नाम लिखे, क्योंकि किताबें बिल्कुल भी सर, खत्म हो जाती हैं, लेकिन YouTube ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ कि काफी अरसे तक रहेगी, एक या दो सदी तक रहेगी। तो मैंने वीडियोस इसलिए डाली कि ताकि ये मेरा नाम मेरे नाम की बका हो, मतलब मैं जिंदा रहूं मरने के बाद भी, मेरे ख्यालात, बिल्कुल मेरी आइडियोलॉजी, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता था, मेरी नस्ल तक ये पैगाम पहुंचे। कि एग्जैक्टली मिसाल सर। के तौर पे मेरा बच्चा देखे वीडियो मेरी और उसको पता चले कि मेरा अबू क्या करता था, क्या सोचता है, इस बारे में क्या सोचता है, इस बारे में क्या सोचता है, तो मेरा इल्म ट्रांसफर हो, इसलिए मैंने यूट्यूब का चैनल जबरदस्त। बनाया था। और इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा तो आपके बच्चे ये भी देखेंगे कि हमारे जो फादर थे वो कितनी छोटी एज से फिर उन्होंने इम्प्रूव किया और फिर वो जाके अब इस लेवल पे आए। तो नहीं, मुझे मुझे इंशाल्लाह उम्मीद ये है वक्त कि जरूर वो आएगा मुझसे भी ज्यादा होंगे। छोटे, इंशाल्लाह। हाँ, जब वो अपना काम शुरू करेंगे सब, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल, ये बिल्कुल इससे फर्क आता है। जैसे कि मैं इन चीजों में टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही हूँ, सीख रही हूँ, तो मेरी खुद की कोशिश होती है कि मैं जो भी सीख रही हूँ ना अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है इस चीज का। अच्छा, यूट्यूब का आपने बता दिया, अब आप पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, तो आपने आज तक कहाँ कहाँ पब्लिक स्पीकिंग की, या आपका अपना कोई इदारा है जहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या आपको इनविटेशंस भी आते हैं और आपने जाके एज अ गेस्ट भी आपने पब्लिक स्पीकिंग की है? तो जब मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किए तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे और मेरे असातिज़ा थे और मेरी सोसाइटी के लोग थे, मेरे शहर के लोग थे, वो मुझे देखते थे, क्योंकि एक नई चीज़ थी। क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ उन शहरियों के लिए ये एक नई चीज़ थी कि एक छोटा बच्चा बाहर किसी मुल्क के लोगों से इंटरव्यू कर रहा है। तो इसी सिलसिले में उन्होंने अपने सेंटर्स में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने अकेडमीज में मुझे इनवाइट किया कि हम एज अ रोल मॉडल आपको दिखाएं कि ये लड़का है, ये काम कर रहा है। तब मेरी पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत हुई। जब मैंने एक मरतबा एक एकेडमी में स्पीकिंग की तो मुझे पता चला कि ये सलाहियत भी मेरे अंदर मौजूद है कि मैं लोगों को बात समझा सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ। तो तब से मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की और उसके बाद आज तक जो भी मुझे इन्वाइट करता है तो फिर मैं उनके पास जरूर जाता हूँ और वहाँ पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ। बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। और ये तो बहुत माशाल्लाह अच्छा हुआ आपके लिए कि आपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और आपने अपनी लाइफ को सुधार में लेके आ गए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपने लैपटॉप विन किया था कि नहीं, और अगर किया था तो उसके बाद भी, एक होता है ना बहुत सारे लोगों में सिर्फ एक मतलब लालच सी होती है कि आपने लैपटॉप विन किया अगर ऐसा कुछ है और फिर छोड़ दिया जो काम किया, या आपने उसके बाद कंटिन्यू रखा और रखा तो कितना, और वो थोड़ा सा डिस्कस करें हमसे। बिल्कुल, लैपटॉप मैंने विन कर कर लिया है और वो मेरे पास मौजूद है लैपटॉप। लेकिन उसके बाद भी मैंने जो मेरा काम है उसको मैंने जारी रखा, उसके बाद भी मैंने इंटरव्यूज करना नहीं छोड़े। आज भी एक हफ्ते पहले मैंने एक इंटरव्यू किया है। इस तरह जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस इंटरव्यू के काम को करता हूँ, क्योंकि ये काम जो पीस प्रमोटिंग है ये मेरी जिंदगी का साथ जुड़ा है। अगर पीस नहीं भी आया, जो मेरा मकसद है कि दुनिया में बॉर्डर्स ना हो और हम आसानी एक दूसरे के मुल्क आ जाएं, अगर ना भी हुआ लेकिन मेरी कोशिश एट द एंड मरने दम तक चलेगी कि मैं इस पीस को कायम करूं। तो मैं वो काम अभी भी कर रहा हूं, अभी भी इंटरव्यूज कर रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, वीडियोस भी बना रहा हूं। इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, अपनी उम्र के लोगों को और बच्चों को, छोटे बच्चों को भी? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक रीडर हूं और काफ़ी सारी किताबें पढ़ता हूं, तो मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा कि वो किताबों को फॉलो करें, किताबों को पढ़ें और अपने मजहब की किताब को भी पढ़ें और सब्जेक्टिव किताबों को भी पढ़ें और सब्जेक्टिव किताबों को भी पढ़ें। अगर किताब से दोस्ती करेंगे तो बहुत अच्छा बदलाव आएगा। किताबों से फ़ायदा ये होता है कि हमारे नज़रियात को शेप हो जाती है, किसी
किसी भी टॉपिक पे जो हम सोचते हैं वो एक सर्कल के अंदर और एक शेप, एक राह मिलती है हमें किताब पढ़ने से, और फिर हम उस राह पे आसानी अपनी कामयाबी की तरफ पहुंचते हैं। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो किताबों को लाजमी पढ़ें। अच्छा, आपने किताबें पढ़ने का कहा, बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बिल्कुल सही बात की। लेकिन थोड़ी सी टिप्स ये भी बताइए कि किताब जैसे पढ़ें तो शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या तो नींद आ जाती है या फिर वो पढ़ नहीं पाते, या मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं। और ये इनफैक्ट मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ थोड़ा सा, तो कुछ हाउ टू बी अ गुड रीडर, ये मैसेज मुझे भी इंक्लूडिंग मी थोड़ा सा बताइए कि प्रोसेस क्या है, आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं किताबें पढ़ने के लिए। बिल्कुल, हमारे अंदर ये मौजूद होता है कि हम एक जगह पे आधा घंटा मुश्किल से बैठे, हमसे बैठा नहीं जाता, ये काफी लोगों में होता है, मुझ में भी था। उसके लिए मैंने मेडिटेशन शुरू की, जिसमें मैं पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर घंटा बैठना शुरू किया मैंने, और मैं वो मुराकबा करता था, तो उससे मेरी टाइमिंग बढ़ी बैठने की। और इसके अलावा एक दूसरी चीज है कि हम किताब सेलेक्ट करते हैं वो किसी की एडवाइस पे करते हैं, या हम किसी का लेबल देखते हैं तब करते हैं, तो ये बड़ी गलत बात होती है। हम किताब वो सिलेक्ट करें जो हमें पसंद है, वो नहीं जो किसी ने एडवाइस की है या किसी का लेबल अच्छा है। इसलिए तो जो शुरुआत के रीडर्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो नॉवेल्स पढ़ें, वो फिक्शन पढ़ें। जिस तरह इमरान सीरीज है, मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने इमरान सीरीज पढ़ी थी, और इसके अलावा नॉवेल पढ़े थे, उमेर अहमद के नॉवेल पढ़े थे, और उसकी सिस्टर है उनका नॉवेल पढ़े थे। तो नॉवेल से मैंने स्टार्ट की, फिर मैं साइंस पे, हिस्ट्री पे, फिर इनको पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक पे पढ़ना शुरू किया। तो इंटरेस्टिंग किताब पढ़ें आप, फिर घंटा भी बैठ जाएंगे, फिर 2 घंटे भी बैठ जाएंगे। लेकिन आप एक बोरिंग सी और अंग्रेजी की किताब उठाएंगे जिसमें मुश्किल मुश्किल अल्फाज हों, तो फिर ये बड़ा नामुमकिन है कि आप उस किताब को पूरा करें। बहुत अच्छे आपने एडवाइस की, चले मैं इसे अप्लाई करूंगी। मेडिटेशन का आपने बताया, इसका थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरीके से करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। मेडिटेशन का मतलब है कि ध्यान देना, फोकस, एक चीज पे फोकस कायम करना। अक्सर हम क्लास में बैठे होते हैं, हम टीचर का लेक्चर सुन रहे होते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है, हम साइड वाले लड़के को देख रहे होते हैं या किसी और को देख रहे होते हैं, ध्यान भटक जाता है। तो मेडिटेशन का मकसद यह है कि हम अब फोकस क्रिएट करें और अपने गैर जरूरी ख्यालात को अपने दिमाग में ना लाएं। हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हमारे गैर जरूरी ख्यालात को हमारे हमारे सामने लाता है, जो कि हमारे काम के नहीं होते, उस वक्त हमारे काम के नहीं होते। तो मेडिटेशन के जरिए हम अपने थॉट्स को स्टॉप करते हैं कि वो हमारे दिमाग में ना आए, हम वही करें जो हम करना चाह रहे हैं, उस चीज पे फोकस करें जिस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं, कोई गैर जरूरी ख्याल हमारे जहन में ना आए। इस तरह हमारी अटेंशन हमारी उसी चीज पे रहती है या जो काम हम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपने मेडिटेशन का बताया और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है, आई नो, लेकिन ना इसको हम अप्लाई नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। इस चीज को अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ले तो मेरे ख्याल से वो गुस्से का जो लेवल है वो भी कम होने के साथ साथ शायद निकल जाए जिंदगी से, क्योंकि वो मुझे पता है कि एक इस दुनिया से किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह इंक्लूडिंग मी हम सब भी इसको भी इंशाल्लाह आपके इस मैसेज के तवसुल से शुरू करें मेडिटेशन वगैरह। एनीवेज, मुझे बहुत अच्छा अच्छा, लगा आपसे बात करके। हाँ जी बोलिए। एक और बात, मेडिटेशन का जब भी मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ वो कहते हैं कि ये हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इस तरह अच्छा हाथ नहीं रखेंगे, ये हमारा मजहब मना करता है, फला फला। तो मेडिटेशन इस्लाम में भी है, मुराकबा कहते हैं उसे, तो उसमें भी है जिसके हम जरिए जिक्र करते हैं, और हम मुख्तलिफ तरीक़ात, मुख्तलिफ उलमान बताते हैं, और फिर हम अच्छा, उसके जरिए भी अपने रिलीजियस पाथवे गाइडेंस के जरिए भी हम इसको कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसको मेडिटेशन कहते हैं, और इस्लामिक लैंग्वेज में इसको मुराकबा कहते हैं, और उर्दू में इसको ध्यान देना कहते हैं। नाम सही। और मुख्तलिफ आई हैं, थिंक तरीके इंडिया भी में मुख्तलिफ इसको हैं। मेरे ख्याल से पढ़ाया नाम कहते हैं, ऐसा कुछ मुझे याद है, वहां भी करते हैं जो हिंदू मजहब से, लेकिन सब लोग कर रहे होते हैं, सबने अपने एक अलग नाम दिया अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है।
मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड एट द एंड सिर्फ आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने माशाल्लाह वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है और आपकी लाइफ में इस वीडियो कैमरा फेस करने से जिंदगी आपकी समझे एक अलग ही मोड़ पे चली गई थी माशाल्लाह। तो शुरू में बहुत सारे लोग शुरू करते हैं अगर ऑलरेडी वो कैमरा शाये हो, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है कहते होंगे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या पागलों वाले काम करो, ऐसा आई डोंट नो आपको फील फेस करना पड़ा हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें करना पड़ता है, तो उसको आपने कैसे फेस किया इंक्लूडिंग के कैमरा शाई होने के साथ साथ, तो थोड़ा सा ये मैसेज भी दें, क्योंकि जो लोग इस चीज को लेके प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो उनको हेल्पफुल हो जाएगा। बिल्कुल, जब मैंने इंटरव्यू शुरू किए थे तब मेरे मैट्रिक के इम्तिहान चल रहे थे, और मैं इम्तिहान देने के बाद मेरा टाइम होता था अपने गेस्ट के साथ, फिर मैं उनके इंटरव्यू करता था। लेकिन मेरे घर वाले बहुत मुझे मना करते थे कि अभी इम्तिहान चल रहे हैं, अभी आप ऐसा ना हाँ करें। लेकिन मुझे तो क्रेज था इस चीज का, और मैं कमरा बंद करके लोगों के इंटरव्यू लेता था। लेकिन अच्छा अफसोस की बात यह होती थी कि मैं उन इंटरव्यू को छुपा नहीं सकता था, वो मेरी प्रोफाइल पे लगते थे, और मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार मेरे पास ऐड होते थे तो वो देखते थे, फिर दोबारा डांटते थे। इस तरह डांट भी पड़ी और तनकीदें भी बहुत हुई कि आप टाइम जाया कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो वक्त था, उसको बर्दाश्त किया। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि आप बड़े बेहतरीन इंसान हैं, आप ये हैं, पता है, तो वही लोग तारीफ करते हैं जो पहले तनकीद दैट्स करते व्हाट हैं। आई वांट टू लिसन, यही इनकरेजमेंट, दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन, कि शुरू में जब भी हमें कुछ करना होता है ना तो आपको तनकीद और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कुछ करने की चाह है, क्रेज है, और आप उसमें लग जाओ सच्ची लगन से, तो आपको ऑब्वियसली हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, और माशाल्लाह आप एक मिसाल है हमारे सामने। तो जो लोग अगर इस चीज को लेके कंफ्यूज थे या हों कि भाई हमें ये सुनने का, चलो ठीक है कैमरा भी फेस कर लिया कर लिया, आप लोगों के क्रिटिसिज्म कैसे फेस करेंगे, तो आप सब जो ये शो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे उनके लिए ये मिसाल है, और ऐसी हजारों और मिसालें हैं, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दें, बहुत बहुत शुक्रिया, और इनशाला किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट शो में मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। अभी मैं वाइंड अप करती हूँ, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।